रोहतास में एक गृहस्वामी के होश उड़ गए जब उसने अपने घर में खतरनाक जहरीले सांप के झुंड को देखा। उसे शुरू में तो ये अंदाजा लगा कि शायद 4 से 5 सांप उसके घर में डेरा बनाए हुए हैं, लेकिन जब एक के बाद एक करके सांप बाहर आने लगे तो केवल उसके ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीणों के भी होश उड़ने लगे। करीब 60 से अधिक सांप घर से निकले। मामला सूर्यपुरा थाना क्षेत्र का है। सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के अग्रेड गुर्द गांव के एक मकान में लगभग 5 दर्जन जहरीले गेवन सांप निकले। इतनी बड़ी संख्या में विस्तर सांप निकलने से इलाके में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इसकी जानकारी वन विभाग को मिली तो जिले के तीनों अनुमंडल के वन विभाग की टीम को रेस्क्यू कैंप में लगाया गया। वहीं वन विभाग के आने से पहले ग्रामीणों ने कई सांपों को मार डाला। प्रखंड राजस्व पदाधिकारी दिव्य प्रकाश ने बताया कि गांव के कृपा नारायण पांडे के 2 मंजिले मकान में बुधवार को परिजनों ने घर में लगभग 7 से 8 सांपों को देखा। वो घबरा गए और फौरन ग्रामीणों को बुला लिया। ग्रामीण जब पहुंचे तो सामने का नज़ारा देख वो दंग रह गए। आनंद फानन में उन्होंने सांपों पर लाठी डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया और कई सांपों को मार दिया। उसके बाद घर में और भी सांप दिखाई पड़ने लगे। घर के परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 2 दर्जन से अधिक सांपों को मार डाला गया। गृहस्वामी ने बताया कि इस बात की जानकारी विक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई। उनके सहयोग से जिले के डेहरी सासाराम व विक्रमगंज अनुमंडल के वन विभाग की रेस्क्यू टीम गुरुवार को लगभग 35 गेवन सांप को पकड़ने में कामयाब हुई। कुल सांपों में से लगभग 1 दर्जन सांप जख्मी हो गए हैं। उनका इलाज सासाराम में करने के बाद सभी को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।